मंदसौर जिले में धारा 144 लगवाई हुई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने 5 मई से सभी वैवाहिक एवं धार्मिक कार्यक्रम सहित सभी कार्यक्रम पर प्रतिबंध किया गया है, लेकिन गरूर थाना अंतर्गत कछालिया रोड शाम करीब 4:30 बजे बांदा का प्रोग्राम चल रहा था। सूचना पर डायल 100 मौके पर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने पत्थरों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने बताया कि प्रतिबंध के बाद भी कार्यक्रम किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस पहुंचे, जहां करीबन 100 से अधिक लोग उपस्थित थे। जिले में 5 मई से सार्वजनिक प्रोग्राम प्रतिबंध है, बावजूद अधिक लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम किया जा रहा था। हमले में एक के सिर पर चोट आई है। डायल 100 वाहन के कांच फोड़े बाद में गरोड़ थाने की थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंची, 11 लोगों को हिरासत में लिया और वहां से सामान को भी जब्त किया। कल 100 डायल पर इवेंट आया था कि कुछ लोग, जिनकी संख्या 100 के करीब, 100-150 के करीब, ये कचालिया रोड पर मन्नत के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी डायल 100 उस इवेंट पर रवाना हुई थी। आरक्षक के द्वारा वहां पर लोगों को जाकर समझाई दी गई कि इवेंट आपका, आपकी शिकायत हो रही है और आप यहां से कार्यक्रम खत्म करें, कोविड के नियमों का पालन करें। उनके द्वारा माना नहीं गया, आरक्षक से बदतमीजी की गई, काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं माने तो थाने से फोड़ गया था और उनके द्वारा पथराव किया गया था, जिसमें हमारी गाड़ी 100 डायल का पीछे का कांच फूटा और आरक्षक को चोट लगी है। सर जब तो हुए इसमें 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी के तलाश जा रहे हैं। ये सभी आरोपी बागरी मोहल्ले गरोड़ के हैं। हमारे पास में एक इवेंट प्राप्त हुआ था कल की सूचना में कि यहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम लोग मौके पर पहुँचे और वाकई में वहाँ पर पब्लिक थी और लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था, तो मौके पर गए हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो काफ़ी 100-125 लोग के समथिंग थे, काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं की गई, तो मौके पर गए और समझाया काफ़ी देर तक, 20-25 मिनट तक समझाया गया और नहीं समझे वो लोग, फिर थाने से बल भी बुलाया गया, उनको देख कर उनका और आक्रामक रूप हो गया, और बल को आते देख कर फिर पथराव शुरू कर दिया उन लोगों ने, जिसमें हमारे साथी जो हमारे सर हैं उनको भी चोट आई है, और उसके बाद फिर मामला के हिसाब वगैरह आगे सब सुलझाया है, बाद में प्रॉब्लम हुआ, पीछे का कांच भी फूटा और फ्रंट कांच पे भी क्रैक हुआ है, और हमारे स्टाफ को भी लगा है, आरक्षक पंकज भैया को। मंदसौर से विनोद सिंह की ये रिपोर्ट।